अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आयशा अजीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में जा रही हूँ यखनी बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो बहुत अच्छी बनती है, मैं हर किस्म की यखनी बिरयानी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए, जिस किस्म की खाना चाहे। तो व्यूअर्स, ये 1 kg चावल है, देखें 1 kg चावल है, बासमती राइस है ये, मैं इसको भी भिगो दूँगी पानी में। और ये 1 kg चिकन है, तो ये मैंने धो के बिल्कुल वॉश करके इसको रख लिया व्यूअर्स। और ये छोटे वाले मीडियम साइज़ के 8 से 9 टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। और यखनी में जो सामान जाने वाला है वो मैं आपको दिखा दूँ। मीडियम साइज़ की मैंने 3 प्याज़े ना काट ली थी, 1 tablespoon साबुत धनिया है, 1 tablespoon सौंफ है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं जो कि मैंने इस तरीके से अलग कर ली हैं बीच में से, 2 सिलेंडर स्टिक के टुकड़े हैं बड़े, 2 इलायचियाँ बड़ी, 7 से 8 लौंग है। तो व्यूअर्स, ये उसमें यखनी में जाएगी। और बघार के लिए 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट लिए हैं। बघार में ये देखें तेज़पात हैं जो कि 2 तेज़पात हैं टूटे टूट गए हैं, और 5 छोटी इलायची हैं, 6-7 लौंग है, 6-7 काली मिर्च हैं, 1 tablespoon ज़ीरा है, और 1 से 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं छोटे। तो ये तेज़पात यखनी में भी 2 से 3 तेज़पात जाएंगे, ये भी यखनी में जाएंगे व्यूअर्स। और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो जिस टाइम डालना हो तो मैं उस टाइम बताऊंगी व्यूअर्स। ये नमक के बाकी मसाला जात मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो व्यूअर्स में, और ये आधा प्याली दही है ये भी जाएगी। तो आप लोग मेरी वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, इस तरीके से मेरी वीडियो को आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये चिकन के लिए मैंने गोश्त डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मसाले मैं इसमें यखनी में डालने जा रही हूँ जो मैंने आपको बताए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 tablespoon। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन लीटर व्यूअर्स मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, तो मैं इसको ढक के 15 मिनट के बाद आपको यखनी का दिखाती हूँ। फिर व्यूअर्स, मैंने यखनी चढ़ा दी है, तो ये जावित्री का इतना बड़ा फूल डालना है, इतना इसके अंदर यखनी में ये भी जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे, मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ व्यूअर्स। बघार के लिए व्यूअर्स इस ढोंगी से मैं 5 डोंगी भर के डालूंगी कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यखनी बिरयानी व्यूअर्स बहुत अच्छी बनके तैयार होती है, आप मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, ट्राई करके देखें आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो ये 5 डोंगी हो गई है, लो टू मीडियम पे मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा है फ्लेम को। तो अब मैं इस टाइम इसमें प्याज डालूंगी 2 मीडियम साइज की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लाइट गोल्डन करके मैं इसको निकाल लूंगी व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट गोल्डन हो गया फिर मैं इसको निकाल लूंगी। व्यूअर्स, तो ये देखिए मुझे इतनी ही चाहिए थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी थी, लाइट सुनहरी करनी थी, तो ये फिर भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बस इसमें से सब निकाल लेंगे, ये मैं बघार बीच में डालूंगी और एंड पे दम में डालूंगी प्याज को। इस टाइम व्यूअर्स ये मसाले डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैंने आपको बताया था। और मैंने ये 2 बादियान के फूल भी डाले, 2 जिसको मैंने तोड़ मतलब अलग कर लिया कलियों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे लाइट सा। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एक हो जाएगा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट,
इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इस टाइम व्यूअर्स मैंने अदरक लहसुन को भून लिया 2 से 3 सेकंड। अब मैंने इस टाइम ये टमाटर मीडियम साइज़ की जो मैंने आपको बोले थे वो मैंने डाले और हरी मिर्चें, तो टमाटर के गलने तक के मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए मैंने यखनी में से इसको अलग कर लिया है गोश्त को, और ये यखनी मेरी यहाँ पर है, तो यखनी में अभी जब चावल ऐड करूँगी जब डालूंगी गोश्त मुझे अभी चाहिए, तो आगे देखें मसाला जो डालना है मुझे वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर टमाटर हो चुके हैं, गल गए यानी कि जितने मुझे चाहिए थे। इस टाइम मैं कुछ मसाले डालूंगी, तो देखें आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1 टेबल स्पून पीसी हुई मिर्ची डालेंगे इसमें व्यूअर्स, 1/2 टेबल स्पून और डलेगी पिसी हुई मिर्च, और 2 चम्मच व्यूअर्स मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये स्टीम जाएगा, इसमें मिक्स कर लेंगे इनको। वन टेबल स्पून इसके अंदर नमक डलेगा व्यूअर्स, और मैंने जो चिकन निकाल के रखी थी इस टाइम ये चिकन डलेगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस मसाले के अंदर। व्यूअर्स इस टाइम दही डलेगी इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो मैंने 1/2 कप दही ली थी। मैंने दही डाल ली व्यूअर्स, अब इसको 5 से 10 मिनट इसको भूनेंगे, दही का जो एक टेक्सचर होता है वो चिकन के अंदर चले जाए, तो मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। हाँ थी मैंने 15 मिनट पहले ये बासमती राइस भिगो के रख दिए थे, तो मैं इस टाइम इसमें ये डाल रही हूँ चावल, और अब मैं यखनी इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी बनती है व्यूअर्स ये बिरयानी, आप यकीन करें इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम। इस टाइम इसमें यखनी ऐड करेंगे, तो 15 मिनट पहले मैंने चावल भिगो दिए थे, तो मैं थोड़ी सी बचाऊंगी, अगर कम लगेगा तो फिर ये मैं यखनी ही डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वन टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस टाइम व्यूअर्स मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी जो मैंने आपको बोला था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो थोड़ी सी मैं बचाऊंगी एंड में दम में लगाने के लिए, तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है बिल्कुल। इस टाइम व्यूअर्स मैं इसमें कलर डालूंगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फाइनल टच है ये। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स इसकी, बहुत मज़े की और बहुत अच्छी यमी वाली एकदम। तो मैं इसको 10 से 12 मिनट का दम लगाऊंगी, फिर मैं आपको सर्व करके प्लेट में दिखाती हूँ। इस तरीके का कोई कॉटन का आपके पास कपड़ा हो तो उससे दम लगाएं, बहुत अच्छा दम लगता है। और मैं इसको तवे के ऊपर रखूँगी ताकि नीचे से लगे ना, लो टू मीडियम पर बिल्कुल। यखनी बिरयानी बनके तैयार हो गई व्यूअर्स, तो ये देखें ये फाइनल लुक है बिल्कुल, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है।
आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, बताया करें कमेंट करके कि कैसी रेसिपी मैं बनाती हूँ। बहुत किस्म के मैंने पुलाव और बिरयानी की रेसिपी इसमें डाली मैंने, तो ये बहुत अच्छी बनी है। बिरयानी यखनी, चिकन बिरयानी यखनी व्यूवर्स, तो आयशा अजीम को इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। कुछ नई वीडियो कुछ नए के साथ फिर से मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स वीवर्स।